तो स्वागत करते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। फिलहाल अभी हम लोग हैं देवघर बाबा नगरी में और आज आप लोग को दिखाने वाले हैं जो दुल्हन की तरह जो सज चुका है देवघर हमारा, जो कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और उसका तैयारी जो है लाइट का वो हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर तैयारी किया गया है, कैसे जो है लाइटों से एकदम सजा हुआ है देवघर, वो आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ये सत्संग का ओवर ब्रिज है जहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों साइड में जो है एकदम लाइट से सजा दिया गया है और ये सारा लाइट जो है आपका बंगाल का चंदन नगर से जो है आया हुआ है इस बार शिव बरात में सजाने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में एकदम दुल्हन की तरह जो है एकदम सजा दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे ओवर ब्रिज आप देखिएगा तो इस साइड से एकदम वहाँ पर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे हर जगह पे एकदम जो है सजा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो रात में भी जो है काम आपका चल रहा है, यहाँ पे गेट लाइट वगैरह बंद है जो कि आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रंग बिरंग का जो है कलर यहाँ पे जो है लगाया गया है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं अभी हर जगह पर लाइट लग रहा है। यहाँ से आपका हाफ किलोमीटर जो है ये ओवर ब्रिज है पूरा आपको दिखाते हुए चलेंगे और आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम दुल्हन की तरह जो है एकदम सज चुका है आप देख सकते हैं एकदम। आपको दिखाने के लिए इस ओवर ब्रिज से सामने से और उस साइड की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए पूरे आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं गजब है एकदम देखने को मिल रहा है, दोनों साइड में एकदम लाइट लग चुका है एकदम और यहाँ पे गाड़ियाँ भी जो है क्रॉस हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं इस तरह का लाइट जो है आप पटना में दूर दूर शहरों में जो है देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो है शिवरात्रि में जो कि आप देख सकते हैं देवघर में एकदम सज चुका है आपका और अच्छा लग रहा है एकदम देखने में। देख सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम लोग जो है आधा ओवर ब्रिज क्रॉस किए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लंबी ये ओवर ब्रिज है, जो कि देवघर में ये पहला ओवर ब्रिज है जहाँ पे एकदम सजाया गया है। आप देख सकते हैं और जगह जगह पे अभी गेट लाइट का जो है काम वो चल रहा है अभी लग रहा है और अच्छा जो है आप लोग को अभी दिखाएँगे कैसे जो है तैयारी चल रहा है देवघर में, वो सारा चीज़ लगातार अपडेट बैक टू बैक वीडियो जो है आते रहेगा हमारे चैनल पर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए, जगह जगह पे कहीं कहीं पे जो है गड्ढा भी हो चुका है ये ओवर ब्रिज पे, आप देख सकते हैं ये इंजीनियर का गलती है, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों अभी हम लोग वीआईपी चौक के पास हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जगह जगह पे इसी तरह का भयानक एकदम गेट लाइट जो है इस बार शिव बरात में जो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं महाशिवरात्रि से पहले जो है एकदम दुल्हन की तरह जो है देवघर को एकदम सजा दिया गया आप देख सकते हैं और काफ़ी बड़ा बड़ा जो है गेट लाइट इस तरह जो है बहुत जगह पे देवघर सिटी मेन रोड में लगभग आपका 4 से 5 गेट लाइट जो है इस प्रकार देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं अभी रात में जो है यहाँ पे चालू हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को मैंने दिखाया किस प्रकार जो है एकदम दुल्हन की तरह जो है एकदम देवघर को सजा दिया गया है ओवर ब्रिज पे। आप देख रहे होंगे दोनों साइड में जो है एकदम लाइट लग चुका है और बहुत ही प्यारा देखने को मिलता है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो है वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।